नमस्कार मैं वैशाली वैशाली के टिप्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको दांतों की समस्या के लिए एक बहुत ही आसान सी टिप्स देने वाली हूँ अक्सर हमारे दांतों में कई तरह की परेशानियां हो जाती है जैसे कि दांतों में कीड़ा लगना मुंह से दुर्गंध आना जब हम ब्रश करते हैं तो दांतों से खून निकलना मसूड़ों में सूजन होना ये बहुत सारी समस्याएं हो जाती है और इन सबसे बहुत परेशानी भी होती है कि हम क्या करें कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जिससे ये सारी समस्याएं हल हो जाएगी लेकिन मैं आज आपके बहुत ही आसान सी टिप्स लेकर आई हूँ सिर्फ एक त्रिफला चूर्ण सिर्फ एक त्रिफला चूर्ण से अगर आप ब्रश करोगे तो आपको काफी सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको त्रिफला से मंजन करने का तरीका बता देती हूँ जिस तरह नॉर्मली हम टूथ पेस्ट से ब्रश करते हैं इसे भी हमें ये देखिए त्रिफला चूर्ण को इस तरह से हमें हाथों में लेना है ये देखिए बस अगर आप ब्रश से कर रहे हो तो बस ब्रश में लगाना है ब्रश को पहले अच्छी तरह से साफ करना है ये देखिए ब्रश लिया गीला कर लिया उसे फिर इस तरह से हम लगाएंगे ये देखिए और बस हल्का हल्का हमें मसाज करना है अगर आप उंगलियों से करते हो तो आप बस उंगली को थोड़ा सा गीला कर लीजिए उंगली पे लगाइए और हल्की हल्की मसाज करते रहिए और एकदम से फटाफट नहीं करिए बिल्कुल धीरे धीरे करते रहिए अगर जैसे सूजन होती है मसूड़ों में हम ज्यादा जोर से करेंगे तो ब्लड भी आता है तो बिल्कुल हल्का हल्का मसाज करते रहिए और इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टेस्ट आपको जरूर थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि कोई नई चीज अगर हम करते हैं तो लगता है कैसा लगेगा क्योंकि ये सब औषधीय गुण है इसमें होता है आंवला हरड बहेड़ा और नॉर्मली हम जो आजकल पेस्ट लाते हैं उसमें काफी सारे फ्लेवर होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है आप त्रिफला से मंजन करोगे तो शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब तो लगेगा कि मुंह में थोड़ा सा कैसा तो भी लग रहा है अजीब लग रहा है और जब बाद में जैसे मैं करती हूँ उसे क्योंकि मैं इसे अक्सर करती रहती हूँ हफ्ते में दो से तीन दिन में तो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम पानी पीते हैं इसमें जो आंवला होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट मुंह का बहुत ही अच्छा होता है अगर आप दिन में नहीं करना चाहते मतलब सुबह नहीं करना चाहते हो आपको अजीब लग रहा है तो आप ऐसा करिए आप रात में जरूर करिए क्योंकि जब हम रात दिन भर में कई सारी चीजें खाते हैं तो हमारे मुंह में रह जाती है उसी से कैविटी होती है सड़न होती है काफी समस्या पैदा होती है तो आप रात में जरूर करें और जैसे कि कीड़ा लगा है सूजन है दर्द है तो आप जैसे मुंह में जैसे इसे थोड़ी देर आप भिगो भी सकते हो ब्रश करने के बाद में क्या करिए थोड़ा सा पेस्ट को मतलब ये त्रिफला को मुंह में लीजिए और जैसे कुल्ला करते हम तो उस तरह से आप थोड़ी देर रखिए जिस तरफ आपको सूजन है मसूड़ों में समस्या है उस तरफ आप ले जाइए उसको और थोड़ी देर रखिए लगभग दो तीन सेकेंड के ही रख के देखिए शुरुआत में और उसके बाद उसे धूप दीजिए और अच्छी तरह से मुंह साफ कर लीजिए आप देखोगे की कुछ ही दिन में आपको आराम लगने लगेगा और अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है बदबू आती है तो ये समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी त्रिफला से मंजन करने पर और जो ये त्रिफला चूर्ण है मार्केट में आसानी से मिल जाता है कई कंपनियों का मिलता है आप कोई भी ले सकते हो तो आप अगर त्रिफला चूर्ण से मंजन करते हो तो आपको काफी सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और नियमित रूप से आप इसका इस्तेमाल करते रहिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है त्रिफला चूर्ण से मंजन करने का तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मतलब भूलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यवाद